हेलो एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। शहबाज शरीफ के पाकिस्तान में आने के बाद से इंडिया और पाकिस्तान रिलेशंस थोड़े से बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। इंडिया होस्ट करने वाला है 16 मई को SEO की एंटी टेरर मीटिंग, वहां पर पाकिस्तान का भी पूरा पार्टिसिपेशन होने वाला है। हालांकि इस अच्छे स्टेप से पहले ही एक इंसान जो ना चैन से बैठेंगे और ना बैठने देंगे, वो अपने भड़काऊ भाषण लगातार दिए जा रहे पाकिस्तान में। जी हाँ, इमरान खान। आप बस ये छोटा सा क्लिप देखिए जिससे आपको अंदाजा होगा कि करंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए इंडिया के साथ कोई भी अच्छे रिलेशनशिप बनाने में कितनी दिक्कत आ रही है। आपको पता है पाकिस्तानियों, हिंदुस्तान ने क्या किया, जरा ये सुने गौर से। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, उन्होंने 600 जाली उन्होंने मीडिया हाउसेस दुनिया में बनाए और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। इसको EU डिसइंफॉर्मेशन लैब कहते हैं। और आपको पता है कि उन्होंने किसको बाहर से प्रोपेगेंडा में किसको निशाना बनाया? एक थी पाकिस्तान की फौज और दूसरा था इमरान खान। हिंदुस्तान ने क्यों पाकिस्तानी फौज और इमरान खान को निशाना बनाया? क्योंकि दो नौजवानों, गौर से सुन लो, आज पाकिस्तान को जो इकट्ठा रखेंगे, जो दुश्मनों की पूरी कोशिश है कि इस मुल्क के तीन टुकड़े किए जाएं, जो बलूचिस्तान में वो दहशतगर्दी करवा रहे हैं, उनका सिर्फ एक मकसद है कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए। एक पाकिस्तान की फौज इस मुल्क को इकट्ठा रख रही है और दूसरा तहरीक इंसाफ, जो सारे पाकिस्तान की फेडरल पार्टी है, जो सारे पाकिस्तान की पार्टी है, और वो चाहते हैं इमरान खान और फौज के खिलाफ। इसलिए वो कैंपेन करते हैं कि उनको पता है कि इन दो के होते हुए पाकिस्तान नहीं टूटेगा। इन्हीं सब उल्टे सीधे बयान के चलते पाकिस्तान गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की जनता को ये कहना पड़ा कि अभी के लिए उन्होंने सिर्फ एक मिनिस्टर अपॉइंट किया है भारत के साथ ट्रेड के लिए, और जो ट्रेड है भारत के साथ वो शुरू होगा कुछ समय बाद। अब जो मीटिंग करवाई जा रही है SEO रैट्स विंग के द्वारा, यानी कि रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर की मीटिंग, इसके हेडक्वार्टर्स है उज्बेकिस्तान में। रैट्स के अंडर हर साल होती है मीटिंग्स, और इस साल की मीटिंग को होस्ट किया जाएगा अजीत डोवाल जी के द्वारा, जिन्हें पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही खास टाइटल से जाना जाता है, जो है ग्रैंड मास्टर ऑफ जियोपॉलिटिक्स का। और कुछ समय पहले ही अजीत जी ने एक ऐसी मीटिंग होस्ट की थी जहां पर मोसाद, CIA और जितने भी दिग्गज स्पाई एजेंसीज हैं अराउंड द वर्ल्ड, उनके चीफ भारत आए थे। और भारत की हिस्ट्री में ऐसे कोई भी मीटिंग आज तक कभी होस्ट नहीं की गई थी। अब रैट्स की मीटिंग में उसमें मेंबर और ऑब्जर्वर कंट्रीज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स और तो और डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स भी आएंगे, जिनका मोटिव होगा कि एशिया को कैसे सेफ और सुरक्षित रखना है। अजीत डोवाल जी ने पहले भी पॉइंट आउट किया था कि पाकिस्तान बेस्ड लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहब्बत जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि कम से कम जो साउथ एशियन जोन है उसमें शांति बनी रहे और स्टेबिलिटी बनी रहे। क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में, यूरोप का हाल सिर्फ बद से बदतर होता जा रहा है। जैसे ही फिनलैंड ज्वाइन कर लेगा नेटो, उसके कुछ समय बाद ही ऑलमोस्ट श्योर है कि रशिया फिनलैंड पर हमला कर ही देगा, और अगर वैसा होता है तो शायद नेटो का पैक्ट इन्वोक हो जाए और फिर सारे नेटो मेंबर्स मिलकर रशिया पर एक वॉर डिक्लेयर कर दें। खैर, अगर यूरोप की बात साइड रखें तो ये रैट्स मीटिंग भारत के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बेस बनाने वाला है आने वाले साल के लिए, क्योंकि आने वाले साल में SEO की जो मेन मीटिंग है भारत उसे होस्ट करेगा, G20 समिट उसे भी भारत होस्ट करेगा, और क्वाड की भी एक मीटिंग होगी जो भारत होस्ट करेगा। 2022 के अंत और 2023 का शुरुआत भारत के लिए जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रैट्स की मीटिंग एक ऐसा एटमॉस्फेयर सेट करने में हेल्प करेगी जहां पे बाकी सारे छोटे या बड़े देश भारत की ओर देखे कोई भी बड़े जियोपॉलिटिकल मूव के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।